गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हैं हम लोग, देखिए कहाँ पर, संस्कार के घर पे हैं और यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये संस्कार क्या कर रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको संस्कार को। ये हैं संस्कार। हेलो संस्कार, बहुत आज तो ठंडी लग रही है, आज सर्दी है। चलो नीचे तो कमरा में चले, हवा चल रही है बहुत तेज और ठंडी है, धूप कम है। और देखो संस्कार मोबाइल छुड़ा रहे थे और मैंने दिया नहीं तो रोने लगा। आ जाओ, हाय करो, ये तो हाय बोलो कर लो। तो ये है संस्कार मेरा भतीजा और जी साहिल भैया बैठा है, है? तुम हाय तो करो, बोलो हेलो, बोलो बोलो हेलो भैया। चाचू कहा, चाचू पापा ऐसे कहा। अच्छा कुछ बोल के बता, चाचू गिर गया, गिर गया भैया, गिर गया। ओहो अब देखो जी डांस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा संस्कार? संस्कार में डांस करवाए, वो अपने आप करेगा, अपने आप करेगा। ओ गिर गया, करो संस्कार, डांस करो, करो डांस। घूसा मार रहा देख, ए साहिल भैया को मार रहा, साहिल भैया को यहाँ। अरे गिरा ना देना साहिल, ऊपर काफी सर्दी लग रही है तो हम लोग जा रहे हैं अब नीचे क्योंकि धूप चली गई है और हवा भी चल रही है, तो आज जो है वो ठंड कुछ ज्यादा है। चलते हैं नीचे, क्यों लाइट खोलनी पड़ेगी ना उसकी। तो वो वाला कहाँ गया? वो वाला आपके बैग में है। मामा आप देख रहे हैं इनकी जरूर बना दे, छीला फिर छीला दूसरी। कैसे संस्कार? ऐसे ऐसे चलो सारे छीले, चलो छीले तो अपन छील संस्कार मेरी हवा रहे। नहीं दो, नहीं कह रहा, खाने पीने का कोई व्यवहार नहीं। तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं वापस अपने घर क्योंकि शाम हो चुकी है, तो चलो चलते हैं। संस्कार जा रहे हैं, संस्कार जा रहे हैं हम लोग, जा टाटा कर लो, टाटा बाय बाय। बिजी हो बाय, बिजी हो, फोन चलाना आता है तुम्हें? संस्कार इतना छोटा है, फोन चलाना आता आपको तो फोन चलाना भी नहीं आता। संस्कार को फोन चलाना आता है, संस्कार की बुआ को नहीं आता चलाना है। टाटा बाय बाय। अच्छा टाटा कर लो, बाय 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 तो करो, बाय बाय कर लो संस्कार, फोन छोड़ जाएगा फिर। फोन तो जल्दी करो बाय, वो बेस्ट है। संस्कार अभी
ट्रैक्टर देखने में व्यस्त है, उसको ट्रैक्टर बड़ा पसंद है, मोबाइल में ट्रैक्टर देख रहा है। तो हम लोग अपने घर आ चुके हैं और बाहर बहुत सर्दी है आज, आज ठंड कुछ ज्यादा है, धूप थोड़ी निकली कम और हवा भी बहुत तेज चल रही है, तो आज बहुत ज्यादा सर्दी है। तो फाइनली अभी ना हम लोग बिस्तर में घुस जाते हैं और अरे उड़ने दो, क्या है उड़ने दो, दो। हाँ सुबह हो गई अभी तो कितने ठंडे पैर है तेरे, ठंडे ठंडे समय मेरे छोना तो काफी सर्दी है आज, अभी दो तीन दिन पहले धूप निकल रही थी तेज तो सर्दी एक दो दिन कम लगी, मगर आज अचानक से फिर बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, तो आज सर्दी है ज्यादा। और अभी बाहर से आए हम लोग, मतलब पैदल पैदल आए तो ठंड लग रही थी, इसलिए देखिए सॉल वॉल डाल लिया और कंबल अम्बल में घुस गए, कमरा भी बंद कर लिया, ये देखिए गेट लगा लिया है। रास्ते में पैदल पैदल आए हैं तो बाहर बहुत सर्दी लग रही है, फिलहाल तो कमरे के अंदर सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो सर्दी समझ में आती है। भाई जो घर के अंदर बैठे रहते हैं उनको शायद सर्दी का एहसास ना हो, क्योंकि घर के अंदर उतनी सर्दी नहीं लगती है जितना घर के बाहर सर्दी लगती है। तो बाहर आज कुछ ज्यादा ही ठंड है, अभी दो तीन दिन तेज धूप निकली तो थोड़ा सर्दी कम लग रही थी, पर आज सर्दी ज्यादा हो गई है, कल से फिर मौसम चेंज हो गया है, कोहरा है और बहुत गलन वाली एकदम सर्दी, जैसे गलन वाली नहीं होते हाथ पैर सुन्न हो रहे हो, इतनी सर्दी है। तो देखो सारे तो छिप के बैठ गया है अंदर, और खाना पीना सब हो गया है, समय हो गया है 7:30 बज गए हैं, और क्या करें सर्दी लगती है तो सर्दी की वजह से ना घुस जाते हैं बस कंबल में, बिस्तर में, रजाई में। अगर ज्यादा सर्दी हो या ज्यादा गर्मी हो ना तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो ये लगता है कि ठंड लग रही है, रजाई ओढ़ लो, कंबल ओढ़ लो तो नींद आने लगती है ना। फिलहाल पढ़ने का टाइम हो गया है, स्काई के यहाँ तक गई थी तो उस वजह से थोड़ा टाइम वहां निकल गया है, तो अब जो भी समय है जब तक अभी नींद नहीं आएगी तब तक करना है अपना पढ़ाई, और फिर उसके बाद सो जाएंगे जब नींद आएगी। तो हाँ जैकेट उतार दी तो गाइस आज का ब्लॉग बस यही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपसे कल अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।